दार्जिलिंग शहर से लगभग 11 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 2,590 मीटर या 8,482 फीट ऊंचा एक हिल है, नाम है टाइगर हिल। दार्जिलिंग शहर से टैक्सी से हिल पर पहुंचने में लगभग 40 मिनट लगते हैं। आप रिजर्व टैक्सी बुक कर सकते हैं अथवा एक शेयरिंग जीप ले सकते हैं। नेहरू रोड और चौक बाजार के क्षेत्र में शेयर्ड जीप और टैक्सियां मिल जाती हैं। यदि आप शहर से बाहर हैं तो आपको पहाड़ी के पास एक होटल लेने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको बिल्कुल अंधेरी सुबह में जल्दी जाना होगा, तभी आप टाइगर हिल से कुछ मनोरम दृश्य देख सकेंगे। वैसे तो दार्जिलिंग में और भी कई पर्यटन स्थल हैं, लेकिन टाइगर हिल की तो बात ही अलग है। यहाँ हर रोज न जाने कितने पर्यटक आते हैं सुबह सुबह सूर्योदय का नज़ारा लेने के लिए, और आए भी क्यों न, ये है ही इतना आकर्षक और सुंदर कि हर कोई इसकी तरफ खींचा चला जाए। टाइगर हिल पर सबसे ज़्यादा मज़ा इसकी चढ़ाई करने में आता है। दार्जिलिंग की सबसे ऊंची चोटी है ये। जैसा कि मैंने पहले बताया, इसकी ऊंचाई 8,482 फीट है। इतनी ऊंचाई से पूरा दार्जिलिंग शहर चींटी जितना छोटा दिखता है। सूर्योदय देखने के लिए आप रात 3:30 बजे चढ़ाई करना शुरू करेंगे, तब जाकर सुबह 4:15 बजे तक चोटी तक पहुँच पाएंगे। सर्दियों में सुबह 4:15 बजे से चढ़ाई करना शुरू कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर दिन यहाँ सैकड़ों पर्यटक आते हैं, जिस कारण आपको ऊपर जाते वक्त काफ़ी लंबी कतारों में लगना पड़ सकता है। इसलिए समय से निकलेंगे तो सही समय पर सूर्योदय का आनंद ले पाएंगे। सुबह जल्दी हमें निकलना था, लगभग 3:30 बजे सुबह। अभी सुबह के 4:30 बजे हैं। हम लोग सुबह सुबह टाइगर हिल सनराइज देखने के लिए निकल पड़े हैं। जैसे तैसे हम तैयार हुए, क्योंकि सारे बच्चों को सुबह सुबह उठाना, उन्हें तैयार करना, यह एक हरकुलियन टास्क था। फिर हमने किसी तरह यह टास्क पूरा किया और चल पड़े टाइगर हिल की ओर। एज एक्सपेक्टेड, गाड़ियों की लंबी कतार के जाम में हम फंसे हुए थे। धीरे धीरे गाड़ियां आगे सरक रही थी। काफ़ी पहले, यानी लगभग 1 किलोमीटर पहले, टैक्सी वाले ने टैक्सी रोक दिया। बोला पैदल जाएंगे तो टैक्सी से भी जल्दी पहुँच जाएंगे। और फिर चढ़ाई पर हम किसी तरह पहुँचे। कुछ लोग पहले, कुछ लोग बाद में आए, लेकिन अफसोस की बात कहीं सनराइज दिखाई नहीं पड़ा। ये टाइगर हिल है और अभी 6:40 हुए हैं। नहीं, कुछ लोग कॉफ़ी बेचते हुए नज़र आ रहे हैं। नो एंड कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं सनराइज का, लेकिन आज बहुत ज़्यादा फॉग है, इसलिए चांसेस बिल्कुल ही नहीं है कि सूरज दिखाई पड़े। आकाश में उजाला है, लेकिन सूर्य का कहीं नामो निशान नहीं है। लोग फिर भी इंतज़ार में खड़े हैं यहाँ पर। कुछ लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं और कुछ लोग ठंड से बचने के लिए अपने आप को पूरी तरह से कवर किए हुए। नीचे वो गाड़ियों की कतार दिख रही है और ये नमन है। और आज हम टाइगर हिल्स पे हैं। सोचा था बहुत अच्छा दृश्य देखने के लिए मिलेगा, पर पूरे आसमान को बादलों ने कवर किया। ये मेरे पापा हैं और हम लोग सोच रहे हैं कि अभी हम लोग चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे दिखने का कुछ फायदा है ही नहीं। चढ़ते चढ़ते हम लोग बहुत थक गए थे। मेरे पापा मुझे छोड़ के अकेले जा रहे हैं, मैं भी आता हूँ। ये पूरा टाइगर हिल का प्लेटू है, प्लेन एरिया। यहाँ से नमन है और फिर यहाँ से ये लोग, कुछ लोग इंतज़ार में अभी भी खड़े हैं, बाकी लोग निराश होकर के लौट रहे हैं, उनमें हम भी हैं। घने कोहरे के बीच सूरज कहीं छुपा हुआ था। हम लोगों ने वहीं गरम गरम चाय पी, कुछ फोटोग्राफ्स भी खिंचवाए। Thank you.
बताते हैं यहाँ से कंचनजंगा और अन्य पर्वत की चोटियों का मनोरम दृश्य दिखता है। साथ ही यहाँ से विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट भी देखी जा सकती है। कंचनजंगा की चोटियों को सूर्य उगने से पहले यहाँ से देखना एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण है। टाइगर हिल और माउंट एवरेस्ट के बीच की सीधी दूरी 172 किलोमीटर है। आपकी किस्मत अच्छी है, मतलब आकाश साफ रहा, तो दक्षिण की ओर स्थित कुर्सियोंग शहर भी यहाँ से दिखाई देता है और बीच में तीस्ता, महानंदा, बालासोन और मेची नदियाँ भी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती दिख सकती हैं। सेंट्रल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर हिल के बहुत ही नज़दीक है। धीरे धीरे सभी टूरिस्ट लौटने लगे थे और फिर हम भी निकल पड़े वापस अपने होटल की ओर ब्रेकफास्ट करने के लिए।